हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ में। मैं हूं आप सबका मित्र ओम प्रकाशन। तो चलिए आज देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी हां, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जानते हैं, कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब एंगल में एक्स हो तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में होता है और वो कॉस एक्स होता है ना। तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन अब देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चलिए, उसमें हमें 6 फॉर्मूला देखने को मिलेगा, हम लोग फिर इसको साबित करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ये एक्सरसाइज 10 का सी है, ये हो गया एक्सरसाइज 10 का सी। तो चलो, उसमें पहला फॉर्मूला हो गया कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। जी हाँ, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इसका होता है 1√1 − x², है ना। कहने का मतलब ये होता है कि अगर कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन इनवर्स एक्स हो या फिर कॉस इनवर्स एक्स हो, उसके एंगल में जो है ना उसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो होता है 1√2, और जो एंगल में है उसका स्क्वायर, है ना। अगर ये रहता डी साइन इनवर्स 2x तो नीचे करना पड़ता डी 2x, और होता 1√2 − 2x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को देखेंगे। तो पहला है कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इसका होता है 1√1 − x², फिर दूसरा है cos inverse x by dx इसका होता है −1√1 − x², तीसरा है डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स हो गया 1/1 + x². चौथा हो गया डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो हो गया −1/1 + x². फाइव नंबर डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो 1/√√x² − 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन −1/√√x² − 1, है ना। इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, और सब के लिए यही याद रखेंगे कि एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के जगह वो काम करेगा। जैसे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर रहता, बाय द वे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे और रिजल्ट भी होगा 1/1 + x² का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे अभी एक्स के जगह पे, है ना। अब चलता हूं, इसको हम साबित करते हैं कि आखिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये कैसे होता है। तो चलिए, इस फॉर्मूला को प्रूफ करता हूं। पहला है कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 − x², है ना। एक को सीख लीजिए, बाकी आप खुद ब खुद बना सकते, बहुत सिंपल है। चलो भाई, जिसको डिफरेंशिएट करना हो उसे वाई मानेंगे, वो तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और यहां क्या करें, डिफरेंशिएट करो साइन इनवर्स एक्स का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1/√1 − x² होता है, किसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसे वाई मान लिए, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बताओ इसीलिए एक्स बराबर क्या होगा, साइन वाई। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, तो डी बटा डी एक्स इधर एक्स में और डी बाय डी एक्स इधर साइन वाई में, ये डी एक्स बाय डी एक्स तो वन हो गया, डी साइन वाई फॉर्मूला बनेगा जब नीचे डी वाई हो और फिर डी वाई बाय डी एक्स, वन इज इक्वल टू कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इसीलिए dy by dx बराबर 1/cos y। आप इसे 1/cos y के जगह 1 − sin² लिख सकते क्या रूट के अंदर में, इसलिए dy के जगह हो गया आपका sin इनवर्स x by dx बराबर 1/√1 − और sin y x के बराबर है इसलिए उसका स्क्वायर, यही तो हमें साबित भी करना है ना। इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब बनेगा, फिर भी मैं कॉसेक इनवर्स एक्स का बता रहा हूं। जो 6 नंबर है आपका, डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू −1/√√x² − 1, है ना। तो जिसको डिफरेंशिएट करना उसे वाई मानता हूं, तो वाई इज इक्वल टू हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स, इसलिए एक्स बराबर
cosec y, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, d by dx इधर x तरफ, फिर d by dx हो गया cosec y में, ये हो गया dx by dx का रिजल्ट 1, और d cosec y by dy into dy by dx, 1 is equal to cosec y का differentiation minus cosec y into cot y और into dy by dx, इसीलिए dy by dx हो गया minus 1 by cosec y और into cot y, जी हाँ minus 1 बट्टा cosec y तो पता है हमें x के बराबर है, परंतु cot y तो नहीं पता है, तो cot y के जगह formula apply करो, cosec square y minus 1, जी हाँ cosec y का मान रख दिया जाए तो derivative of y, y means cosec inverse x by dx is equal to minus 1 by cosec y, मतलब x root under x square minus 1, ये तो साबित करना है। और देखिएगा मोड है, तो मोड का मतलब ये कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इतना ही काम है मोड का। तो चलिए अभी तक तो आप वीक नहीं होंगे, अब ऐसा करो आप सबको उतार दो, इस चक्कर में क्या करें स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक करके फिर हम आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए एक्सरसाइज 10C का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल ऊपर में लिख दिया है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, निम्नलिखित में से प्रत्येक को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसे y मान लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि cosec cos inverse 2x को डिफरेंशिएट करना है, किसको, cos inverse 2x को, तो जिसको भी डिफरेंशिएट करना है मेरे भाई उसको y मानते हैं ना, तो हो गया मान लिए यहां पे कि y बराबर cos inverse 2x, अब वहां से हमें चाहिए dy by dx, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो d ऑफ dx किसका, y का, फिर d by dx किसका, cos inverse 2x का, ये हो गया dy by dx, ये हो गया d cos inverse 2x by dx, फिलहाल अभी ये फॉर्मूला नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि हमें पता है कि एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में होगा तभी फॉर्मूला बनेगा, तो फिलहाल अभी नीचे 2x करना होगा, तो इसको ऐसा करता हूं d cos inverse 2x by d2x into d2x by dx, अब cos inverse x लग रहा है, d cos inverse x by dx का होता है minus 1 by root under 1 minus x का स्क्वायर, मतलब क्या 2x का स्क्वायर और 2 पीछा की x का 1, तो फाइनली minus 2 by root under 1 minus 4x स्क्वायर, यही हमारा dy by dx है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, जो है उसे y मान लिया, तो y is equal to क्या tan inverse x स्क्वायर, tan inverse x स्क्वायर दूसरा क्वेश्चन है, tan inverse x स्क्वायर, अब जरा उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx इधर y को, फिर d by dx इधर tan inverse x स्क्वायर को, ये हो गया dy by dx, ये हो गया d tan inverse x square by dx square, क्योंकि एंगल में जो है, फिर into dx square by dx, tan inverse x हो गया 1 by 1 plus x का square, और फिलहाल x के जगह हमारा x square है, तो जो है एंगल में उसका square, तो x square का पुनः square, और x square हो गया x के power n का formula, x के पावर n का होता है n x to the power n minus 1, अब ऊपर वाले के साथ गुणा करो और नीचे वाले को नीचे रहने दो, यही हो गया dy by dx का वैल्यू, है ना। तीसरा देख लीजिए, let y is equal to sec inverse root x, तो वहां से हमें चाहिए dy by dx, तो चलो भाई चूंकि y is equal to sec inverse root x डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये हो गया dy by dx, तो d sec inverse root x by d root x into d root x by dx, है ना, अब देख लीजिए ये क्या हो गया, sec inverse x का होता है 1 by x, तो x के जगह फिलहाल root x into root under x square minus 1, ये तो इसका हो गया, root x का होता है 1 by 2 root x,
तो पूरा मिला तो क्या वन बाई एक्स रूट अंडर एक्स माइनस वन है ना, इस तरह से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो चार नंबर क्वेश्चन, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो वहां से हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। चलो चूंकि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में dy by dx of y, फिर d by dx किसका, साइन इनवर्स x by a का, ये हो गया dy by dx, फिर d साइन इनवर्स x by a by dx by a, क्योंकि एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स x का हो गया 1 by root under x square 1 minus x square, तो 1 minus x by a का square, 1 by a कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया 1 by root under, इसको क्या लिख सकते हैं 1 minus x square by a square into 1 by a, बिन घटाओ करूं तो a square minus x square by a square into 1 by a, root से अगर बाहर होगा ना तो हो गया 1 by root under a square minus x square, और a square को बाहर किया तो a into 1 by a से a cancel, हो गया 1 by root under a square minus x square, ये हमारा dy by dx का वैल्यू है ना। इस तरह से आप चार तक को देखें, आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे काम आएगा, ले लो। तो चलिए अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है ना, और मैं एक चीज बता दूं कि वीडियो इस तरह से हम डालते ही रहेंगे, और आप अगर ट्वेल्थ के बच्चे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा इस तरह की वीडियो देख के, इसलिए आप क्या कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिस आएगी, है ना। चलो पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो पांचवा कह रहा है कि जो है उसे वाई मानेंगे, तो वाई बराबर हो गया लॉग, नहीं टेन इनवर्स लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स लॉग एक्स है ना, वहां से चाहिए हमें डी वाई बाई डी एक्स, कोई बात नहीं देखो, क्योंकि y is equal to tan inverse log x, इसको differentiate किया x के respect में, ये हो गया dy by dx, d tan inverse log x किसके respect में देंगे, तो log x के, क्योंकि tan के angle में जो है उसके respect में, और into फिर d log x by dx, tan inverse x का होता है 1 by 1 plus x का square, और x के जगह फिलहाल log x है, और log x का 1 by x, तो हो गया 1 by x into 1 plus log x का square, यही हमारा dy by dx का वैल्यू है ना। चलो 6 नंबर क्वेश्चन, let y is equal to cot inverse e के पावर x, cot inverse e का पावर x, तो वहां से हमें चाहिए dy by dx। चलो चूंकि y is equal to cot inverse e के पावर x, हमें पता है जैसे क्या होता है tan inverse log x था तो log x के रिस्पेक्ट में, उसी तरह cot inverse e के पावर x है, तो सबसे पहले e के पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो हो गया dy by dx d cot inverse e के पावर x। चलो फटाफट अगर बनाते हैं तो फार्मूला कब बनेगा, जब नीचे e के पावर x हो इंटू फिर e के पावर x by dx, cot inverse x होता minus 1 by 1 plus x का square, और x के जगह जो हो उसका square, e के पावर x का e के पावर x, फाइनली हो गया minus e के पावर x by 1 plus e के पावर 2x, यही हमारा dy by dx है ना। चलो सात नंबर क्वेश्चन, let y is equal to log of tan inverse x, log के एंगल में हो गया tan इनवर्स x, जी हाँ, तो कितना सिंपल है, पहले तो log के एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में, उसको फिर x के रिस्पेक्ट में, तो वहां से चाहिए dy by dx। चलो चूंकि y is equal to log of tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, dy by dx बराबर d, log के एंगल में हो गया tan इनवर्स x, तो पहले tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, फिर tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, log x का 1 by x हो गया tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का होता है 1 by 1 plus x square, पूरा मिला के 1 by
टेन इनवर्स एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा डीवाई बाई डी एक्स है ना। एट नंबर क्वेश्चन, लेट वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, तो वहां से हमें चाहिए डीवाई बाई डी एक्स। चलो चूंकि वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट के एक्स के रिस्पेक्ट में डीवाई बाई डी एक्स बराबर डी कॉट इनवर्स एक्स क्यूब। सबसे पहले तो एंगल में जो है यानी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स क्यूब को एक्स के, तो क्या माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स के जगह फिलहाल है एक्स क्यूब तो उसका स्क्वायर, और एक्स क्यूब का होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स के पावर सिक्स, ये हो गया हमारा डीवाई बाई डी एक्स है ना। चलो नौ नंबर क्वेश्चन, जो है उसे y, y बराबर हो गया भाई साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स, वहां से चाहिए आपको dy by dx, कोई बात नहीं डिफरेंशिएट किया dy by dx, फिर d साइन इनवर्स कॉस एक्स by d ऑफ कॉस एक्स इंटू d कॉस एक्स by dx, क्योंकि साइन के एंगल में जो है पहले उसके रिश्ते, अब वो क्या साइन इनवर्स एक्स की तरह तो उसका होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कॉस एक्स का स्क्वायर, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, वन बाय रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, वन बाय रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन एक्स, क्योंकि रूट के अंदर है, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स बराबर माइनस वन, ये हमारा डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू है ना।